चित्तौड़गढ़ भारत के विशालतम किलों में से एक है। चित्तौड़ का किला मेवाड़ की राजधानी के नाम से जाना जाता है। एक लोक कथा के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य ने 7वीं शताब्दी के दौरान किया था। ये शानदार संरचना 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। ये वास्तुकला प्रवीणता का एक प्रतीक है जो कई विध्वंसों के बाद भी बचा हुआ है। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली सल्तनत का राज था। सुल्तान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों में से एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मिनी पद्मावती को पाने के लिए किया था। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन सिंहल प्रांत के राजा थे। रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी और बड़ी होने पर उनके पिता ने उनका स्वयंवर आयोजित किया। राजा रावल रतन सिंह पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी नागमती होने के बावजूद वो स्वयंवर में आए हुए थे। राजा रतन सिंह ने मलखान सिंह को स्वयंवर में हरा कर पद्मिनी पद्मावती से विवाह कर लिया। पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसने चित्तौड़ के किले को कई महीनों तक घेरे रखा, लेकिन चित्तौड़ के वीर सैनिकों के कारण वो चित्तौड़ पर विजय नहीं पा सका। तब उसने छल से काम लेने की बात सोची। उसने राजा रतन सिंह के पास संदेश भेजा, हमने चित्तौड़ की रानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, आप एक बार हमें रानी को देखने दीजिए तो हम किले से हट जाएंगे। राजा और रानी ये प्रस्ताव सुनकर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन इतनी छोटी सी बात के कारण चित्तौड़ के सैनिकों का खून वो नहीं बहाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि खिलजी आईने में रानी का चेहरा देख सकता है। अलाउद्दीन को आईने में रानी का चेहरा दिखाया गया, लेकिन रानी को देखने के बाद उसके मन में छल समा गया और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी के सामने शर्त रखी कि अगर रानी पद्मिनी खुद से उसे सौंप दे तो वो राजा रतन को छोड़ देगा। रानी ने खिलजी को कहा कि वो अपनी 700 दासियों के साथ खिलजी के सामने आने से पहले अपने पति को एक बार मिलना चाहती है। खिलजी ने रानी का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह भोर होते ही रानी ने 700 पालकियों में राजपूत सैनिकों को बिठाया और पालकी उठाने का काम भी उन्होंने वीर सैनिकों से करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के शिविर के पास पहुंचने पर सभी वीर सैनिक यवन सेना पर टूट पड़े और रानी ने राजा रतन सिंह को आजाद करवा लिया। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम हो गई, तब सुल्तान ने गुस्से में आकर अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसके बाद रानी पद्मिनी ने जौहर करने का निश्चय किया। रानी के साथ बाकी वीरांगनाओं ने भी जौहर करने का निश्चय किया। एक विशाल चिता जलाई गई। रानी पद्मिनी और बाकी वीरांगनाओं ने अपने परिवार वालों से अंतिम बार मुलाकात की। फिर वो वीरांगनाएं जल्दी चिता में कूद पड़ी और चित्तौड़ की मिट्टी को हमेशा के लिए पावन कर दिया। उसके बाद वीर सैनिक अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़े। भयंकर लड़ाई हुई। जीत के बाद जब खिलजी ने चित्तौड़ के किले में प्रवेश किया तो किले के भीतर उसे कोई नहीं मिला। स्त्रियां जौहर कर चुकी थी और पुरुष शहीद हो चुके थे। रानी पद्मिनी के जौहर की जीत हुई थी और ये जौहर हमेशा भारतवासियों को इस बात की याद दिलाता रहेगा कि भारत की स्त्रियों के लिए उनका सम्मान सर्वोपरि है। ऐसी ही वीर गाथा से प्रेरित होकर सुप्रसिद्ध डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने फिल्म बनाने का सोचा और वो अपनी आने वाली फिल्म पद्मावती को लेके काफी उत्साहित है, जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, अदिति राव हैदरी और रणवीर सिंह को कास्ट किया है। रानी पद्मावती के किरदार में दीपिका पादुकोण नजर आएंगी तो शाहिद कपूर उनके पति राजा रावल रतन सिंह और रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका में नजर आएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की इस एक तरफा प्रेम कहानी में खिलजी और रानी पद्मावती का कोई मिलन नहीं होना है, इसलिए रणवीर सिंह और दीपिका के भी एक साथ कोई सीन शूट नहीं किए जाएंगे। अब देखते हैं कि पद्मावती को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके बारे में और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।